नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। तीन दिन से कथा चल रही है और आज तीसरा दिन है, समापन होने जा रहा है। और जो गुरुजी महाराज है, परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी, श्री धाम वृंदावन से वो आए थे। तीन दिन उन्होंने यहाँ कथा की है और अंदर पूरा खचाखच भरा हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि अंदर हम युवाओं को देख रहे हैं, बच्चों को जाते हुए देख रहे हैं। बुजुर्ग तो अक्सर कथाओं में आती है, लेकिन हमें युवा और बच्चे भी अंदर जाते हुए दिखे। आज तीसरा दिन है, भीड़ ज़्यादा है और कथा के अंदर अब हम आपको लेकर चलते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई हुई है, गणमान्य लोग आए हुए हैं। कथा का जीवन पर क्या असर पड़ता है, गुरु से इन मुद्दों पर सवाल भी करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि इस कथा का क्या महत्व है जीवन में, कथा आपके जीवन में कितनी जरूरी है। पर रहे, देखते रहे सच की रफ्तार। तीन दिन कथा चली और सैकड़ों लोगों का हुजूम यहाँ पर था। सबसे अच्छी बात थी, बच्चे जो आजकल मोबाइल की दुनिया में सिमट चुका है उनका जीवन, लेकिन बच्चे यहाँ पर थे, युवा यहाँ पर थे और आपकी एक एक बात को वो बड़ी गहराई से सुन रहे थे। क्या कहना चाहिए? हम लोगों का प्रयास विशेष यही रहता है कि जो उम्र दराज लोग हो गए हैं, उन लोगों ने तो अपना जीवन जी लिया है, उनको भी अपना कल्याण करना है। पर सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो यूथ की है। जो युवा समाज है उसको मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो यह कथा उन हमारे युवा भाई बहनों को मार्गदर्शन प्रदान करती है, धर्म के प्रति जागृत करती हैं, अपने कर्तव्य के प्रति जागृत करती हैं और वह भगवत भक्ति करते हुए सदगृहस्थ के रूप में अपना जीवन यापन कर पाएंगे, इस सारे जगत को ज्ञान का प्रकाश दे पाएंगे यदि वह सत्संग से जुड़े रहेंगे। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो एक समय ऐसा था कि कथा कीर्तन केवल बुजुर्गों के लिए रह गया था, वो ठीक नहीं है। युवा समाज का जुड़ना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार राम जी के चरित्र को जानने के लिए रामायण को पढ़ना होगा, जिस प्रकार श्री कृष्ण के चरित्र को जानने के लिए श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करना होगा, उसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में एक भक्तमाल ग्रंथ है, जिस भक्तमाल ग्रंथ में भक्तों के चरित्र को गाया गया है। सतयुग से लेकर के कलयुग तक जितने भक्त महापुरुष हुए उनकी चरित्र कथा जिस ग्रंथ में वर्णित है उसको भक्तमाल कहते हैं। उसी भक्तमाल ग्रंथ की यह कथा हुई और उसमें वृंदावन को प्रकट करने वाले रूप सनातन गोस्वामी जी का चरित्र विशेष रूप से यहाँ तीन दिन में हुआ। इस कथा से क्या लाभ मिलता है? इस कथा से तीन लाभ होते हैं। सबसे पहली बात, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। दूसरी बात, अपने जीवन में संघर्ष करने की क्षमता प्राप्त होती है कि हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने कितनी कठिन परिस्थिति में रहकर के संघर्ष करके अपने धर्म का पालन किया। और तीसरा, प्रभु प्रसन्न होते हैं, हमको अपने भारत के सच्चे इतिहास की जानकारी होती है। हाँ, अभी तो एक महीने बाद इसी पंडाल में राम कथा